अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। टाइटल और थंबनेल से पता होगा आप लोगों को, तो क्वेटा में हो रहे हैं इस टाइम साल की पहली बर्फ़ारी 2024 की। तो सिचुएशन ये ऐसे है, अभी मैं खड़ा हूँ वाइफ हवाई पे, हवा बहुत ही सर्द है जिसकी वजह से मोबाइल को पकड़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छे शॉर्ट्स लोअर्स मैजिक मैजिक वीडियो बनाओ आप लोगों के लिए। तो हम लोग पहुंच गए डैम में, और डैम में सूरत हाल यही है जो आपको नज़र आ रहे हैं। आप मैं और रिज़ा अब जा रहे हैं कैंटीन की तरफ, कैंटीन में बैठ के थोड़ा सा चाय पियेंगे, तो उसके बाद सिनेमैटिक शॉर्ट्स बनाएंगे। तो आपको मिलवाना चाहता था मुर्तज़ा से, मुर्तज़ा एक भी मज़ेदार कंटेंट क्रिएटर है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मैं और फराज के डैम साइड पे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आज का मौसम काफ़ी खुशगवार है और काफ़ी बढ़िया मौसम है आज। फरहान आप दिखा दें, तो सर्दी इतना है कि हाथ जम चुके हैं, और ज़्यादा इस टाइम हमें जो मसला हो रहा है वो पैरों में ज़्यादा मसला हो रहा है। पता नहीं पैरों में क्यों इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। हम लोग इस टाइम बना रहे थे अपना व्लॉग, तो उस टाइम हमें मिल गए दो बंदे। उन लोगों ने हम लोग से रिक्वेस्ट की कि उन लोगों का तस्वीर ले, तो हम लोगों ने उसकी तस्वीर ले ली। और तस्वीर के दौरान बर्फबारी का आगाज़ हो चुका है और बहुत ही तेज़ हो चुका है। अब मेरे मुंह पे देख रहे हो, मेरे बालों पे भी थोड़ा सा आ रहा है। ये सूरत हाल यू है कि बहुत सर्द हो चुका है। मुर्तज़ा, क्या सर्दी के वाले में क्या बताओगे यार? क्या बता दो, क्या काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। थोड़ा सा घुमाओ पीछे दिखाओ। नहीं नहीं, पीछे दिखाओ, पीछे दिखाओ। तो आप मुर्तज़ा के सर के ऊपर देख सकते हो, ये बर्फ है। जी बर्फ। अरे यार, तो हम लोगों का प्लान चेंज हो गया, क्योंकि कैंटीन में जो इलाका है वो खुला है, तो वहाँ पे बैठा नहीं जा सकता कि सर्दी अपनी उरूज पे है। और हम लोगों हम तो इस टाइम मौजूद है क्वेटा बुक कैफे के पास गुलिस्तान टाउन में, तो चलो जल्दी अंदर चलते हैं क्योंकि मेरा हाथ सुन्न हो चुका है। फिलहाल हम लोग बैठे हैं बुक कैफे में, और हम लोग का ऑर्डर भी आ चुका है। हम लोगों ने मंगवाया है दूध पत्ती और चिप हॉप। तो हम लोगों का चाय वगैरह भी ख़त्म हो चुका है, और अभी जाएंगे घर की तरफ। घर से
कुछ उठाने सामान उठाना है, उसका माइक ख़राब हो गया है। ये जो है, ये जो दिखाओ उसको ज़रा, ये होल्डर माइक ये ख़राब हो गया है। तो जल्दी घर जाना है और होल्डर उठाना है, फिर जाएंगे जाफ़र के घर और वहाँ पे पहुँच के आपके आगे वाले प्रोग्राम आपको बताएंगे। Let's go. जैसे कि मैंने बताया था कैफे में, तो अभी पहुँचे जाफ़र के घर के पास पहुँचे, अभी जाफ़र को लेके जाएंगे ज़ियारत को की तरफ। तो अभी सूरत हाल ये ऐसा है, बर्फ़बारी तेज़ हो चुका है, जाफ़र साहब निकल रहे बटन है दे हो गए बोलो ना। तो अभी जाफ़र ने बहुत मज़ेदार डायलॉग बोला, क्या बोला डायलॉग बोला। तो हम लोगों को रास्ते में जाकिर भाई मिल गए, जाकिर किरो के नाम से पहचाना जाता है। इरफान भाई हम लोग गए हुए थे दोस्तों के साथ, तो गोश्त भूल गए थे अभी मेरे पास 20 मिनट है और मैंने 20 मिनट में यहाँ पे पहुँचना है। वक्त कम मुकाबला सख्त, कम मुकाबला सख्त और कठिन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो हम लोग अभी जा रहे हैं ज़ियारत को की तरफ। ज़ियारत को मरियाबाद के इलाके में है और एक ज़ियारत का मकाम भी है और वहाँ पे चाय भी मिलता है। तो अभी सूरत हाल यूँ है कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ने की वजह से जम चुका है, तो बहुत स्लिपी हो गया है। आधा असर कर चुके हैं और आधा बाकी है, और मेरे पीछे देख सकते हो बर्फ भी हो रहा है और साथ में गर्मी भी है। तो क्विटर की सीन्स कुछ ऐसे है। لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا نالا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى तो क्वेटर का वेदर इस तरह है कि बादल सारे नीचे आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत सीन बन चुका है। इस तरफ गर्मी भी है और बर्फबारी भी हो रहा है साथ में। तो आप देख सकते हो डैम की तरफ सारे बादल नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे फोटोशूट जारी है। पहुंच के अपनी मंजिल पे, सर्दी होने की वजह से बात करने में भी थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। हाँ उर्दू हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है और स्लीपी बहुत है। ओह स्लिप कर दूँ। तो हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं और इस टाइम सूरत हाल ये है कि हर जगह बर्फ होने की वजह से स्लिपी हो चुका है, तो यहाँ पे कदम कदम एहतियात करना चाहिए। तो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी चाय के लिए, अपनी कावा के लिए। तो सूरत हाल यूँ है कि अभी सूरत हाल यही है कि नीचे आ गया है तूफान, तो आपको मैं दिखा
बताता चलो। नीचे का मंजर ये है, सारे धुंध या बोलो या बादल वो नीचे आ चुका है और बर्फबारी भी अपनी उरूज पे है। और इस टाइम सर्दी होने की वजह से हाथ सब लाल पड़ गया है। यहाँ पे कहा जाता है कि मौला अली अलैहि सलाम के हैंड प्रिंट यहाँ पे मौजूद है, जो कि अभी ख़राब हो चुके हैं कुछ रीजंस की वजह से। तो यहाँ के मकामी लोगों ने लोगों थोड़ा सा पेंट किया ताकि वो जगह ख़त्म ना हो जाए। तो वो इस तरह है, ये अंगूठा देख लो, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक है। असल तो ये यहाँ तक है, लेकिन इसको ख़राब ना होने की वजह से इस जगह को ऐसी तरह बनाया गया है ताकि ये ख़राब ना हो जाए। ये देख सकते हो हाथ की जगह है, पूरा मेरा हाथ तो छोटा है लेकिन ये पूरा हाथ का जगह है। ये तो ये वही ज़ियारत का मकाम है जो मैंने आपको दिखाया। ये तो अभी शाम हो रहा है और यहाँ से निकलने का वक्त भी हो चुका है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बात करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो आप देख सकते हो कि मेरा हाथ इस टाइम जम चुका है और लाल हो चुका है। तो बर्फबारी भी अभी तक जारी है, सारी है। तो काफ़ी मुश्किल है, स्लिप हो रहा है यहाँ पे, बहुत स्लिपी हो रहा है। तो क्वेटा में सूरत हाल यही है कि अभी तक बर्फबारी हो रही है, उम्मीद करते हैं कि कल तक भी बर्फबारी हो नीचे किसी से ऐसे। और ये शाम हो रही है। अच्छा जी, किधर हो? क्या कर रहे हो? आ जाओ ना, ये चुप रहा है बंदा। तो उतरने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, सूरत हाल यूँ है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, गुड बाय।